साल 2020 कुछ लोगों का काफ़ी बुरा साल गया होगा, क्योंकि साल 2020 में हमें ऐसी चीज़ें देखने को व सुनने को मिली जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। और सोचा भी यह था कि 2020 के जैसे अंतिम दिनों में कोविड-19 के केसेस आने कम हो गए थे, उससे यह भी लग रहा था कि 2021 की शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन मैं सौम्या माथुर आप सभी रिपब्लिक हरियाणा के दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि बर्ड फ्लू के आ जाने के कारण हम सबकी उम्मीदों पर अब पानी फिर गया है। साथ लगते राज्य हिमाचल प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के पंचकुला इलाके में हजारों मुर्गे मुर्गियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मरने से जिला यमुनानगर का पशुपालन विभाग भी सचेत हो गया है। स्थिति पर नजर रखने के लिए विभाग ने 18 टीमें गठित की हैं, वहीं पोल्ट्री का कारोबार करने वालों को भी सचेत कर दिया गया है। यमुनानगर में पोल्ट्री फार्म व हथिनी कुंड बैराज, दादूपुर हेड आदि जगहों पर विदेशी परिंदे आजकल आए हुए हैं, वहां पर भी विभाग द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग के मुख्यालय से जिला पशुपालन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर जरूरी सूचना दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में 187 पोल्ट्री फार्म है जिन पर विभाग अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। पैनिक जो बर्ड फ्लू को लेकर चला हुआ है, इसको देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में हमने 18 टीमें को गठन कर चुके हैं और सभी एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कि आपको अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे आपको असाधारण मृत्यु का पता चलता है, कोई भी माइग्रेटरी बर्ड या फिर पोल्ट्री फार्म पे कहीं ऐसा महसूस होता है तो आप हमें सूचित करेंगे ताकि उसमें आगे कार्रवाई हम कर सकें। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे पास आते हैं खिजराबाद एरिए में, हमने उस एरिया के डॉक्टर्स को भी काफ़ी विजिलेंट कर दिया, अलर्ट कर दिया है कि भी माइग्रेटरी बर्ड्स में उनको उनके प्रति आप विजिलेंट रहें और यदि उन्होंने अनयूजल कोई डेथ पाई जाती है तो उसको तुरंत उनके सैंपलिंग करवाई जाएगी और इस डिपार्टमेंट को सूचित किया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हमारे यहाँ अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई अनयूजल डेथ नहीं देखी गई, तो इसको लेकर ज़्यादा पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मेरा मैसेज यही रहेगा पब्लिक को कि भी अपना ध्यान रखें और यदि इस तरह की कहीं भी मोर्टलिटी अपने लोकल बर्ड्स में मिलती है तो प्लीज डिपार्टमेंट को सूचित करें। यमुनानगर के पशुपालन विभाग के एसडीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बर्ड फ्लू चला हुआ है, उसको देखते हुए जिला यमुनानगर में 18 टीमें गठित की गई हैं और सभी को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में या अन्य जगहों पर असाधारण मृत्यु का पता चलता है, चाहे वह माइग्रेटरी बर्ड्स हो या किसी भी पोल्ट्री फार्म में ऐसा महसूस होता है तो हमें सूचित करें ताकि हम आगे की कार्यवाही कर सके। इसके अलावा हथिनी कुंड बैराज, दादूपुर हेड पर माइग्रेटरी बर्ड्स देखे गए हैं, हमने वहां भी डॉक्टर्स की टीम को लगा दिया है, यदि वहां भी कोई भी मृत्यु पाई जाती है तो तुरंत उसकी सैंपलिंग करवाई जाएगी और डिपार्टमेंट को सूचित किया जाए ताकि तुरंत कार्यवाही की जा सके। पशुपालन विभाग के एसडीओ सुरेंद्र ने बताया कि अभी तक कोई भी मृत्यु किसी भी पोल्ट्री फार्म में नहीं हुई है तो इसको लेकर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जिले में 187 पोल्ट्री फार्म से जिसमें 18,57,400 पोल्ट्री बर्ड्स हैं, हमने जिले में जितने भी पशुपालन विभाग से संबंधित हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट कर दिया है। तो जैसे आपने इस खबर में देखा कि यमुनानगर में बर्ड फ्लू के आ जाने के कारण 18 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में बर्ड फ्लू को लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक जहां पर भी आपको पक्षी मरे हुए दिखाई दें तो जल्द से जल्द पशुपालन विभाग में उसकी पूरी जानकारी दें।